और टेक्निकल एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सीएल टेक की हम बात करें तो 1050 के नीचे लगातार क्लोजिंग दे रहा, आज भी इसने ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन 1060 से वापस नीचे आया है। अब यह या तो इसके नीचे चालू कर दे चलना तो हम इसको शॉर्ट करेंगे, या इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देना बंद कर दे तो हम इसको बाय करने की सोच सकते हैं। अभी ये नो ट्रेड जोन में है, इसे दूर बना रहा है। HDFC बैंक लगातार ऑल टाइम हाई बनाए जा रहा है उसकी ज़िंदगी के, आज का भी उसने करीबन 2497.50 का हाई बनाया है। हीरो मोटो में अभी कोई ट्रेड नहीं है। हिंडालको में दोस्तों जब भी 208 के नीचे आएगा हम सेल के लिए देखेंगे, जब भी 212 के ऊपर चलेगा इसको हम बाय के लिए देखेंगे। अभी कोई भी ट्रेड इसमें बनता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। अगेन HUL में 1800 के ऊपर हम बाय के लिए सोच सकते हैं, वो 1780 के नीचे हम सेल के लिए सोच सकते हैं। HDFC बैंक ने भी आज ऑल टाइम हाई लगाया है, लगातार दो दिनों से लगा रहा है। ICICI बैंक में एक हर्डल जैसा कुछ बन रहा है 445 पे, अगर आप देख रहे होंगे तो। और ये जो है SBI में जो सेम पैटर्न बने थे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे हाई बनाया इसने। ये देखेंगे उसी रेंज में चल रहा है अभी, जब भी ये रेंज तोड़ेगा 344 और 335 के नीचे या ऊपर तब ये मोमेंट देना स्टार्ट कर देगा। ITC में दोस्तों एक ट्रेंड लाइन टूटी है जो कि बनती आ रही थी। ये देखिए 2017 से जो ट्रेंड लाइन आई थी वो इसने ब्रेक कर दिया है पिछले 5-6 दिनों से, और अभी ये लगा था उसके नीचे चल रहा है। तो हमें अभी इस पर बाई के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो इसमें हम शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं। IVL हाउसिंग में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली दोस्तों हमें, ये देखिए अगर ये कल भी इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम इसको बाई करने के लिए सोच सकते हैं 690 के टारगेट के लिए। ये IOC में दोस्तों कल इसने नीचे क्लोज किया था, जो एसोसिएट एंगल में चला गया है। अब हो सकता है ये वॉल्यूम सपोर्ट नहीं दिखा रहा, अगर वॉल्यूम सपोर्ट दिखाएगा तो हम इसमें ट्रेड करेंगे, अदरवाइज 157 और 152 के बीच में अगर जब भी रहता है हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे। इंडसइंड बैंक दोस्तों लगातार नीचे आते जा रहा है, ऊपर स्तरों से टूटते जा रहा है। ये जब भी 1400 के नीचे आएगा हम इसमें शॉर्ट बनाएंगे। इन्फोसिस सारी IT कंपनियां एक इंडेक्स 16000 के पास ऊपर क्लोज हुआ है दोस्तों, तो सारी IT में आज खरीदारी देखने को मिली अपने को। JSW स्टील में लगातार ये जो 277 या 276 का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वह एक हर्डल का काम कर रहा है पिछले 3-4 दिनों के लिए। इसमें आने वाले दो दोस्तों जब भी हम ऐसा मौका देखेंगे हम शॉर्ट करके पैसा बनाने गए इसमें। कोटक महिंद्रा बैंक में दोस्तों देखिए जो ट्रेंड लाइन बनी आ रही थी, कब से बनाई थी, 17 जून से, उसको आज इसने तोड़ दिया है, तो हो सकता है 1450 तक स्लिप कर जाए। L&T सपोर्ट के ऊपर ही बना हुआ है। M&T में देखिए दोस्तों आज इसने सपोर्ट के ऊपर क्लोज कर दिया है, या जो रेजिस्टेंस था पहले इसका वो सपोर्ट का काम करने लगा है। एक क्रूशियल EMA आ रहा है जो कि 100 EMA है, अगर ये कल 666 के ऊपर चलता है तो हम इसमें बाई करने की सोच सकते हैं। मारुति फिलहाल अभी कोई ट्रेड नहीं है। NTPC में देखिए डबल टॉप बनाया है, उसको तोड़ के ऊपर क्लोज दिया है, लेकिन वापस ये कुछ डोजी जैसा बनाया हुआ है। आज की कैंडल में इसने हाई बनाया था करीबन 144.40 में, और क्लोजिंग दिया है 142.95 में, तो कल के लिए हम इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं हमारी। ONGC में इनसाइड बार बना है, अभी कोई ट्रेड नहीं है। पावर ग्रिड भी उसी रेंज में चल रहा है दोस्तों। रिलायंस में हम देखिए 1250-55 के आसपास से इसने सपोर्ट लिया है, और वापस ये इस रेंज में चलेगा तब तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। जब भी या तो 1250 तोड़ देगा या ये 1300 के ऊपर चलने लग जाएगा तब इसमें हम ट्रेड के लिए सोचेंगे। SBI की बात जैसे मैंने पिछले वीडियो में करी है आप उसमें से देख सकते हैं। सन फार्मा ने आज वापस 400 का पोर्शन